छतरपुर में 20 दिन पहले हुई अंधी हत्या का खुलासा हो गया है। हत्यारा महिला का ही पति निकला जो फरियाद लेकर थाने पहुंचा था। एसपी ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और संपत्ति को लेकर भी वह पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। दरअसल 6 अक्टूबर को ओरछा रोड थाना कैडी में एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान मथुराबाई यादव के रूप में हुई थी। मृतका के पति मिजाजी की शिकायत पर ओरछा रोड थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मौके पर पहुंचे और एसआईटी का गठन किया। पड़ताल के दौरान सभी तथ्यों की बारीकी से जांच के बाद पुलिस को मृतका के पति मिजाजी पर शक हुआ और यह पाया गया कि फरियादी मिजाजी ने ग्रामीणों को घटना की सूचना करीब 1 घंटे बाद दी। जब पुलिस ने 1 घंटे देर से सूचना देने का कारण जानना चाहा तो मृतका का पति मिजाजी घबरा गया और जब उसे प्रश्न पूछे गए तो बार बार मृतका के पति का बयान बदलना सामने आया, जिसके बाद सख्ती बरतने पर मिजाजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्यारे पति ने घटना की रात में पत्नी को पत्थर पटक कर घायल कर दिया था और फिर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। थाना ओरछा रोड अंतर्गत 6 अक्टूबर को एक प्रकरण हुआ था जहाँ पे एक अंधा कत्ल एक महिला का किया गया था। इसमें जो फरियादी थे उसके पति मिजाजी यादव, उनके द्वारा जिस प्रकार से घटना को अंजाम देना बताया गया उसी हिसाब से शुरुआती विवेचना की गई और विवेचना के दौरान जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए और विस्तृत बयान जब लिए गए और कड़ी से कड़ी को जोड़ा गया तो ये पाया गया कि फरियादी के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की गई है और इसमें आज जो आरोपी है उसको न्यायालय में पेश किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।